हमको अगर प्रलोभन से बचना है तो हमको वैराग्य कल्टिवेट करना पड़ेगा। ये जो धन है, सुंदरता है, पुत्र है, बच्चे हैं, परिवार है, ये सब क्या है? कमल दल जल जीवाना तलम है। ये कमल के दल के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर पानी का दौर है, देखते देखते फिसल जाए। तो ये वैराग्य हमको कल्टिवेट करना है। दुनिया जितना भी बहुत सुंदर लगे, फर्स्ट क्लास लगे, हमको ये समझना है आस्तम पर्यतम पर्यतम सर्व माया मयम जगत, ये सब माया में नदी है। तो लंका में भी सब पुजारी थे, किसके पुजारी? अपना शरीर का पूजा, हर व्यक्ति दुनिया में पुजारी है, भगवान का पूजा नहीं करते, अपना शरीर का पूजा। एक घंटा आईना के सामने लगा के मेकअप करते रहो, भगवान का श्रृंगार करने का समय नहीं, स्वयं का श्रृंगार करते रहो। पर प्रॉब्लम क्या है? जो शरीर के देवता का आराधना करता है क्या होगा? जल जाएगा। इसलिए हनुमान जी लंका को जलाते हैं और बोलते हैं जो भी शरीर के देवता शरीर का पूजा करेगा उसका अंत क्या है? उनके डिस्ट्रॉय। तो जब हनुमान जी को सिखा रहे हैं, जब हम श्रद्धा के पर्वत पर चढ़ते हैं तब हमको कृपा मिलता है, जब कृपा मिलता है तब हमको बुद्धि आता है, ऊंचे विचार आते हैं, जब ऊंचे विचार आते हैं तब हम हमारे जो आसक्तियों के सागर को पार कर सकते हैं। जब हम आसक्तियों के सागर को पार करेंगे तब वैराग्य आएगा, और वो वैराग्य से हम फोकस कर पाएंगे भक्ति पे।